नून लीग को अपनी दोनों की पॉलिसी बदलना होगी। बल्दियाती और ज़मीनी इंतखाबात का बायकॉट करना होगा। मौलाना फजलुर्रहमान ने कड़ी शराइत रख दी, नून लीग मुश्किल में पड़ गई। अब आर या पार आप नहीं हम करेंगे। नून लीग को लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। मौलाना फजलुर्रहमान ने पोजिशन ले ली। नून लीग कायद की पार्टी क़्यादत से मुशावरा। NA 133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब का मार्का, नून लीग का पीपल्स पार्टी पर प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी हल्के में पैसे के इवज़ वोट खरीद रही है। पैसे लेने वालों का शनाख्ती कार्ड जब्त किया जा रहा है और उनसे पीपल्स पार्टी को वोट देने का हल्फ लिया जा रहा है। नून लीग का इल्ज़ाम मामला रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उठाने का ऐलान कर दिया। ज्वाइंट सेशन में शिकस्त से नून लीग और सहूलतकारों की परेशानी वाजह है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, लिखा फौजी क्यादत और आला अदलिया पर हमलों में शिद्दत और परेशानी साफ नजर आ रही है। फवाद चौधरी बोले, हमारा साकत निसार की ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं। एक सियासी जमात से कहूंगा फिल्में बनाना शुरू कर दे। जाली ऑडियोज और वीडियोज अपने केस तब्दील करने के लिए जारी की गई। वफाकी काबिना ने सऊदी अरब से $3 अरब स्टेट बैंक में रखने और उधार तेल खरीदारी के मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदे के लिए तमाम कानूनी मामलात तय, इसी हफ्ते सऊदी फंड स्टेट बैंक को मिल जाएगा। पाक सऊदी अरब मुआहदा गुज़श्ता माह वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान हुआ। मुल्क को माशी खाई में धकेल दिया गया, जल्द कुछ ना किया तो वापसी नामुमकिन हो जाएगी। डॉलर की परवाज महंगाई की जल्दी आग पर तेल का काम कर रही है। शहबाज शरीफ हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कह रहे थे कि कीमत में इजाफा, रिकॉर्ड तजारती खसारा मुल्क की माशी तबाही के खतरनाक इशारे हैं। सिंध के सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मंजूर वसान ने कहा हुक्मरानों की गैबी ताकत खत्म हो रही है, किसी भी चीज़ की कमी हो इल्ज़ाम सिंध हुकूमत को देते हैं। मुकेश कुमार चावला ने कहा चेक करें, बताएं सिंध में यूरिया जखीरा कहाँ हो रही है। क्या नस्का टावर की इमारत एक दिन में बने? क्या इदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं? जो इदारे जमीन अलॉट करते हैं क्या उनसे कोई नहीं पूछेगा? चेयरमैन आवाज मोहसिन शेखानी ने सवाल उठा दिया, कहा ऐसा इदारा बना दें जिससे NOC मिलने के बाद और कोई तंग ना करे। मंडी बहाउद्दीन में कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला, डेप्टी कमिश्नर तारिक बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर को तौहीन अदालत केस में 3 माह की कैद सुना दी। अदालत ने मुलजिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात भेज दिया। बहावल नगर में इज्तिमाई ज्यादती का शिकार खातून की मुदैयत में मुकदमा दर्ज, FIR थाना A डिवीजन में दर्ज की गई। गुज़िश्ता रोज़ शादीशुदा खातून को 7 अवाश मुलजिमान ने अगवा के बाद गन पॉइंट पर ज़्यादती का निशाना बनाया था। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, 6 रोज बीत गए चीचा बतनी से लापता बच्ची का सुराग न मिल सका। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल, पुलिस की जानिब से तलाश जारी। फैसलाबाद में अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स की शहरियों से बदतमीजी, मामूली तल्ख कलामी पर नौजवान पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। तशद्दुद की वीडियो NewsOne को मौसूल। गुजरवाला के इलाके कोतवाली में डकैती, 2 डाकू कपड़े की दुकान से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार। वारदात की CCTV मंजरेआम पर आ गई। फैसलाबाद चक झुमरा काजीवाला में पुलिस मुकाबला, गन्ने की फसलों में रुपोश, डाकुओं का पुलिस के साथ घंटों फायरिंग का तबादला जारी रहा। 2 डाकू मारे गए, 2 फरार होने में कामयाब।
चटागोंग टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी ओपनर्स डट गए बगैर किसी नुकसान के 145 रन बना लिए। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश ने 330 रन बनाए थे। हसन अली ने 51 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। लिटन दास की शानदार सेंचुरी 114 रन स्कोर किए। भारत में जारी जूनियर हॉकी कप में कौमी टीम की पहली कामयाबी। पाकिस्तान ने मिस्र को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की तरफ से तीनों गोल रिजवान अली ने किए। और छठी थल जीप रैली स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले खवातीन की रेस जारी। प्रिपेयर्ड कैटेगरी फाइनल राउंड कल होगा।